नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। महापुरुषों की जयंतियों को उचित रूप से मनाने के लिए किए जाते हैं राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के आयोजन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में विधायकों के साथ तीन दिवसीय पूर्व बजट परामर्श बैठक 2020-21 में दूसरे दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महापुरुषों का हमारे समाज में एक विशेष महत्व है और समय समय पर उनकी जयंती मनाई जाती है ताकि युवा पीढ़ी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इनमें श्री गुरु रविदास जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, कबीर जयंती तथा श्री गुरु नानक देव जी और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव प्रमुख है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंतियों के अवसर पर सरकारी अवकाश की बजाय शिक्षण संस्थानों में अन्य संस्थानों में उनकी शिक्षाओं और जीवनियों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महापुरुषों के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। उन्होंने समाज के लोगों से अपील भी की है कि वे भी महापुरुषों के कार्यक्रमों का आयोजन करवाएं तथा उनमें भाग लें। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने अपने स्वागतीय भाषण में महर्षि दयानंद सरस्वती की जीवनी से जुड़े अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के उच्च मूल्यों और शिक्षाओं के स्मरण करने के उपरांत विधायकों के साथ में बजट पूर्व परामर्श बैठक 2020-21 के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से देश में एक नई दिशा देने की महत्वपूर्ण भूमिका स्वामी जी ने निभाई थी। स्वयं लोकमान्य तिलक ने माना है कि भारतवर्षियों का देश है, स्वराज्य हमारा पहला अधिकार है तथा ये नारा भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग हरियाणा की ओर से मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने अपनी आज की कार्यसूची की शुरुआत महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 197वीं जयंती होने के कारण उनके जीवन मूल्यों, उनकी शिक्षाओं पर मनन से शुरुआत करने का फैसला किया। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। स्वयं लोकमान्य तिलक ने लिखा, जिनका यह वाक्य कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वयं उन्होंने लिखा कि भारत भारतवासियों का है। यह कहकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज का पहला संदेश दिया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, श्री अरबिंदो ने लिखा है कि आधुनिक भारत का प्रथम निर्माता स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आज का यह मनन यहाँ आप लोग कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जब आप स्वयं एक इतने बड़ी परंपरा को खड़ा कर रहे हैं जो कभी भी प्रजातांत्रिक इतिहास में कहीं नहीं हुई, कि बजट प्रस्तुत करने से पूर्व, बजट बनाने से पूर्व वित्त मंत्री और सभी विधायक इकट्ठे बैठे, ऐसा कभी प्रजातांत्रिक इतिहास में नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी रचनात्मक परंपरा आप जब स्थापित कर रहे हैं तो ये संयोग मात्र नहीं लगता कि आज ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 197वीं जयंती है। आज जैसा हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सब चर्चा कर रहे हैं, स्वामी दयानंद जी सरस्वती, उनका जन्मदिवस, उनका जयंती का दिन, स्वामी दयानंद जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, हम सब लोग जानते हैं। वो बहुगुणी प्रतिभा के एक धनी थे, यानी चाहे वो धार्मिकता की बात हो, शिक्षा की बात हो, आध्यात्मिकता की बात हो, शिक्षा में विशेष तौर पर महिला शिक्षा का जो उन्होंने बल दिया, गोरक्षा की बात हो, और इतना ही नहीं, देश उस समय प्राधीन था तो देश को स्वाधीनता के मार्ग पर, यानी स्वाधीनता लाने के लिए एक प्रेरणा जगाने के लिए जिस प्रकार का उन्होंने प्रारंभ में एक प्रयत्न किए, उसके बारे में बहुत से लोगों ने अपने अपने व्याख्यानों के माध्यम से, अपनी अपनी बातों के माध्यम से उनका
गुण गान किया है, चाहे उसमें लोकमान्य तिलक हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वीर सावरकर हों, सब लोगों ने उनको अलग अलग नामों से, सरदार पटेल ने कहा कि वो तो स्वाधीनता के एक प्रकार के प्रथम योद्धा थे। इसी प्रकार उन्होंने स्वाधीनता को एक ज्वाला, एक लौ जागृत करने के लिए जो एक प्रेरणा दी, वास्तव में तो स्वाधीनता का जो संग्राम है उसकी, उनकी प्रेरणा से इसमें आगे हम बढ़े और अंततः इस देश को स्वाधीनता पर मिलाए। स्वाधीनता के साथ साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ संस्कार, ये सब बातें हमारे सामने आई हैं। महापुरुषों के अपने जीवन की सार्थकता होती है, महापुरुषों की जीवनियों पर समय समय पर हम लोग बहुत से विचार करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं और उससे नई आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ये मिले, ऐसे हम कार्यक्रम करते हैं। तो उसी संदर्भ में हमने अपनी सरकार की ओर से भी महापुरुषों की जयंतियों को मनाने का क्रम शुरू किया, चाहे उसमें गुरु रविदास जी की जयंती मनाने की बात है, डॉक्टर अंबेडकर जी का उनका जयंती का दिन है, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की बात हमने की है, भगत कबीर जी की बात हमने की, गुरु नानक देव जी का हमने 550 साल मनाया, गुरु गोविंद सिंह जी का हमने 350 साल का कार्यक्रम किया, ऐसे बहुत सी जयंतियों के कार्यक्रम हमने ये सब किए हैं। अन्य अन्य महापुरुषों के, समाजों के जो प्रवर्तक हैं उनके भी हम जयंतियां मनाते हैं, मनानी भी चाहिए आखिर समाज के अंदर एक दिशा देने के लिए। एक विषय का विचार कभी कभी जो मन में आता है और वो है कि आखिर जयंतियों के ऊपर हमको शिक्षा, प्रेरणा, प्रेरणा में भी काम करने की प्रेरणा तो मिलती है, कर्मयोगी इस नाते से हम एक प्रकार से भगवान कृष्ण का जो संदेश है कि कर्मशील बनो, उस संदेश को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन साथ में एक मांग कई बार जुड़ती चली जाती है जो बहुत निर्णय लेना बड़ा कठिन होता है कि अमुक महापुरुष की जयंती है उस दिन छुट्टी कर दी जाए, जयंती के दिन उस महापुरुष की शिक्षाओं के ऊपर कुछ कार्यक्रम शिक्षण संस्थानों में ये हो, अन्य संस्थाओं में हो, तो फिर छुट्टी की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसको एक रेस्ट्रिक्टेड होलीडे इसकी श्रेणी में डाल करके जिनको छुट्टी लेनी है वो ले सकते हैं, वर्ष में दो छुट्टियों का एक प्रावधान किया हुआ है, तो कोई भी ऐसी दो छुट्टियां अपनी आस्था के हिसाब से, अपने जिनके प्रति जिनकी श्रद्धा है उसके हिसाब से, या किसी कार्यक्रम के हिसाब से जो लेना चाहे ले। तो इस आज की छुट्टी को भी हमने उसमें रेस्ट्रिक्टेड होलीडे में रखा और अन्य भी समाजों से हमने अपील की है कि समाज के लोग आगे आए और ये छुट्टियों की संख्या, काम करने की प्रेरणा जागे, हम अपने अपने काम में भी लगे रहें, वर्ष में छुट्टियां बहुत हो जाती हैं, तो हमारे यहाँ इस प्रचलन को हम आगे बढ़ाएं।